गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ निशा शर्मा, योर मैथ्स टीचर ऑफ क्लास फोर्थ। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 10, प्ले विथ पैटर्न्स। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट पैटर्न्स। सो ये एक पैटर्न दे रखा है, टीनू यूज्ड दिस ब्लॉक टू मेक अ साड़ी। अभी एक साड़ी का ब्लॉक, उसने इस ब्लॉक को साड़ी बनाने के लिए यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट ही मेड दिस बेडशीट फॉर विद द सेम ब्लॉक, और इस ब्लॉक से उसने बेडशीट बनाई हुई है। सो नेक्स्ट पेज नंबर 108, ही ऑल्सो मेड दिस दुपट्टा विद द सेम ब्लॉक। अब उसी ब्लॉक से उसने दुपट्टा बनाया है यूज करके, लेकिन पैटर्न अलग है। देखो इसमें दो ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ है और दो अप साइड है, ये डाउन साइड एंड अप साइड। ओके, सो कैन यू सी हाउ टीनू हैज मेड डिफरेंट पैटर्न्स यूजिंग द सेम ब्लॉक। नाउ यू टू मेक थ्री डिफरेंट पैटर्न यूजिंग दिस। ठीक है, अब इससे अपन को थ्री पैटर्न्स बनाने हैं। तो मैंने एक बनाया हुआ है जिसमें ये सारा एरो इस साइड जा रहा है, ठीक है, और इसमें ये इस साइड जा रहा है। तो आप ऊपर नीचे या दोनों को ऊपर, दो साइड नीचे, ठीक है, दो एरो को ऊपर की तरफ, दो एरो को नीचे की तरफ, इस तरीके से अपनी खुद से पैटर्न बना सकते हो। नेक्स्ट, यामिनी हैज यूज्ड हर ब्लॉक्स टू मेक अ फ्यू पैटर्न्स, हेल्प हर टू टेक दीज पैटर्न्स फॉरवर्ड। अब उसने कुछ पैटर्न बनाए हुए हैं लेकिन आपको उसको आगे तक लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे वन लीव है, फिर दो हैं लीव्स हैं, और फिर थ्री लीव्स हैं, फोर लीव्स, फिर अगेन वन लीव, टू लीव्स, थ्री लीव्स, फोर लीव्स। तो मैंने टू बना दी, थ्री बनाएंगे, फोर बनाएंगे, इस तरीके से उसको कंप्लीट किया है। अब यहाँ पे देखो, टू स्टैंडिंग लाइन्स में अप साइड एरो है और फिर टू स्टैंडिंग लाइन में डाउन साइड एरो बनाए हुए हैं। फिर थ्री स्टैंडिंग लाइन दे रखी है, अप साइड एरो, अप डाउन साइड एरो। फिर फोर स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, अप साइड एरो, डाउन साइड एरो। फिर फाइव लाइन्स बनाएंगे, फिर उसके बाद अप साइड एरो और यहाँ पे डाउन साइड एरो। अब यहाँ पे जो ये कलर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ और फिर यहाँ, अगेन वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इस तरीके से उसको कंप्लीट करेंगे। वी कैन ऑल्सो मेक पैटर्न्स विद नंबर्स एंड लेटर्स। अब हम नंबर्स के थ्रू भी पैटर्न बना सकते हैं और लेटर्स के थ्रू भी। बिलो आर फ्यू एग्जाम्पल्स, कैन यू टेक देम फॉरवर्ड। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और आपको इनको फॉरवर्ड आगे तक लेकर जाना है, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है, एज इट इज 3-3 के नंबर में हमें लिखना है। अब देखो यहाँ पे नंबर देखो 28, 27, 26, 25, 24, 23, नंबर डिक्रीज हो रहा है बाय वन। एंड जो लेटर है आपका वो भी आपका उल्टा चल रहा है, देखो जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू, ठीक है। तो हम सीधा कैसे लेंगे इसको, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये माइनस वन होता जा रहा है लेटर में भी और नंबर में भी। 864, 764, 664, तो यानी कि 100 माइनस हो रहा है सब में, ठीक है। तो 564, 464, 364, इस तरीके से उसको कंप्लीट करेंगे। 9, तो यहाँ हम जीरो लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये 09 हो गया, ये 109 हो गया, ये 209, ये 309, ये 409 एंड 509, इस तरीके से। नाउ राइट योर ओन नंबर पैटर्न। अब यहाँ पे हमें अपने खुद का नंबर पैटर्न बनाना है, तो मैंने बनाया हुआ है 100, 200, 300, 400, यानी कि प्लस 100 करके मैंने नंबर पैटर्न बनाया हुआ है। अब यहाँ पे 50, 60, 70, 80, 90, 100, प्लस 10, प्लस 10 करके बनाया हुआ है। आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी बना सकते हो, 100, 90, 80, 70, 60, 50, इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हो। नेक्स्ट, मेक अ पैटर्न विदाउट नंबर। अब हमें नंबर को यूज किए बिना पैटर्न बनाना है, यानी कि लेटर्स से, ठीक है। तो मैंने बनाया है देखो 2-2 का, और जो सेकंड लेटर है वो इसका फर्स्ट लेटर है, ठीक है। तो यानी कि ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ जी, आगे क्या आएगा जी एच, इस तरीके से मैंने अपना पैटर्न बनाया हुआ। आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो। नो नंबर कम्स ट्वाइस।
अब यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, दो बार नहीं आना चाहिए. लुक एट द नंबर बॉक्स, इस नंबर बॉक्स को देखना है. कैन यू सी अ पैटर्न? यहाँ पर आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है? नो नंबर कम्स ट्वाइस इन एनी लाइन, यानी कि इस लाइन में देखो तब भी वो नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, इस लाइन में भी, इसमें भी और इसमें भी, और किसी भी तरीके से लाइन में वो नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए. ठीक है. नाउ यू ट्राई राइटिंग द लेटर्स ए बी सी इन द बॉक्स सो दैट नो लेटर कम्स ट्वाइस इन एनी लाइन. नाउ ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, सी बी ए, यानी कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ है किसी भी लाइन में. इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है, आप अपनी मर्जी से बनाएंगे. नेक्स्ट मैजिक पैटर्न्स. अब ये मैजिक पैटर्न है किस तरीके से, आप देख लीजिए. इसमें भी ये जो नंबर्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं. लुक एट द पैटर्न ऑफ नंबर्स 1 to 7. इसमें 1 to 7 नंबर यूज हुआ है. सी हाउ ईच लाइन एड्स अप टू 12. अब यहाँ पे हर लाइन का जो टोटल है वो कितना होना चाहिए? 12. यानी कि देखो 7 + 4 + 1 = 12, 2 + 4 + 6 = 12, 3 + 4 + 5 = 12. इस तरीके से सबका टोटल जो है वो आपका 12 होना चाहिए. नाउ यू फिल दीज स्टार्स यूज नंबर्स 1 to 9 एंड द रूल दैट द नंबर ऑन ईच लाइन एड अप टू 15. अब इन सब का ऐड क्या होना चाहिए? 15 होना चाहिए और नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए. तो 1 to 9 के हमें 1 to 9 के बीच में हमें नंबर्स यूज करके एडिशन उसका 15 रखना है. तो करेंगे 2, 9, 4, 7, 5, 3, 6, 1, 8. तो ऐड करके देखेंगे सभी हर एक लाइन को, तो क्या आएगा? 15. 2 + 7 + 6 = 15. 2 + 9 + 4 = 15. 4 + 3 + 8 = 15. इस तरीके से. नाउ मैजिक ट्राइंगल्स. अब ये मैजिक ट्राइंगल है. लुक एट दीज नंबर, दिस नंबर पैटर्न रूल नंबर ऑन ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल एड अप टू 9. यानी कि किसी भी साइड में अगर आप ऐड करोगे तो 9 आएगा. 3 + 4 + 2 = 9. 3 + 5 + 1 = 9. 2 + 6 + 1 = 9. इस तरीके से. ठीक है. सी इफ द अदर साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ऑल्सो एड अप टू 9. ये सिर्फ इसमें 3, 4, 2, यानी कि 3, 4, 2 ये लाइन ऐड करके बताई हुई है. हमें ये वाली और ये वाली भी ऐड करके देखनी है, तो ये भी क्या आ रहा है? 9 आ रहा है. नेक्स्ट, नाउ यूज नंबर 1 to 6 टू मेक योर ओन मैजिक ट्राइंगल. अब 1 to 6 के बीच में हमें ट्राइंगल ऐसा बनाना है जिसका नंबर ऑन ईच साइड मेड मस्ट एड अप टू 10. जिनका ऐड करने पर, किसी भी साइड से ऐड करने पर क्या आना चाहिए? टोटल 10 आना चाहिए. तो हमने लिखा है 1, 4, 5, 6, 2, 3. इस तरीके से ऐड किया है तो 4 + 1 = 5 हो गया, 5 + 5 = 10 हो गया, 6 + 1 = 7 हो गया, 7 + 3 = 10 हो गया, 5 + 2 = 7, 7 + 3 = 10. इस तरीके से कहीं से भी आप ऐड कर रहे हो तो 10 आंसर आ रहा है. नाउ नेक्स्ट नंबर टावर्स. अब ये नंबर्स का टावर बनाया हुआ है. नंबर्स कैन बी अरेंज्ड एज अ टावर. टावर, अब ये टावर की तरह उसने अरेंज कर रखे. वी स्टार्ट फ्रॉम बिलो एंड गेट दिस नंबर पैटर्न. अब हम नीचे से स्टार्ट करते हैं. कैन यू सी द रूल फॉर दिस पैटर्न? आप इसको यहाँ पे रूल दिख रहा है आपको कि कौन सा रूल लग रहा है? यस, हमें दिख रहा है. इसमें क्या हुआ है, नीचे के दोनों बॉक्सेस को ऐड करके जो आएगा वो हमारा कहाँ जाएगा? नेक्स्ट नंबर में. तो यानी कि 10 + 20 हो गया 30, 20 + 30 हो गया 50, और 50 और 30 हो गया 80. इस तरीके से निकालेंगे. रूल नंबर सेकंड, वी ऐड टू नंबर्स बिलो टू गेट द नंबर इन द बॉक्स अबव देम. यानी कि दो बॉक्सेस को हम ऐड करके अबव ऊपर वाले बॉक्स का निकालेंगे. तो इसी तरीके से इसको करेंगे. 10, 20, 30 हो गया, 20 और 30 50 हो गया. ठीक है, सेम बताया हुआ है. यूजिंग द सेम रूल कंप्लीट दीज नंबर टावर्स. तो इन सेम रूल यूज करके हमें इनको कंप्लीट करना है. तो देखो यहाँ पे इसको इसको ऐड करेंगे. 10 + 5 = 15 हो गया, 10 + 15 = 25, 15 + 20 = 35. इन दोनों को ऐड किया 40, 25 + 35 = 60, और 60 + 40 = 100. सेम 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 4 = 7, 4 + 5 = 9. इस तरीके से 3 + 5 = 8, 12, 16. इनको ऐड करेंगे तो 20, इन दोनों को 28,
और 48 आंसर. द सम सेम सम रूल. अब यहाँ पे सेम सम रूल लगा रखा है. यहाँ पे देखो 11, 12, 13, 14, 15, 16. ये इन्होंने फ्रेंड्स आर प्लेइंग विथ नंबर कार्ड, सी हाउ दे ऐड. अब इन्होंने कैसे ऐड किया है, 11 को लास्ट वाले नंबर से, सेकेंड लास्ट को सेकेंड फर्स्ट को सेकेंड लास्ट से, थर्ड फर्स्ट को थर्ड लास्ट से, इस तरीके से ऐड करके. तो आंसर सबका क्या आ रहा है, 27, 27, 27. कैन यू सी द रूल विच गिव्स अस द सेम सम ईच टाइम. हमें सबका सम जो है वो सेम मिल रहा है हर टाइम पे. वी गेट द सेम सम व्हेन वी ऐड द टू नंबर्स, फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट, सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड फर्स्ट फ्रॉम राइट, सेकंड फ्रॉम राइट एंड थर्ड फ्रॉम राइट. नाउ यू राइट एनी नंबर एंड ऐड एंड द थ्री नंबर्स आफ्टर दैट, मेक अ पैटर्न यूजिंग द रूल, सी इफ यू गेट द सेम सम. तो मैंने नंबर लिए हैं 21, 22, 23, 24. तो 21 प्लस 24 45, ठीक है, इन दोनों को ऐड किया तो 45 आया. 22 प्लस 23 45, यस. सो हमें भी सेम पैटर्न मिल जाएगा. सो दिस इज इट फॉर दिस क्लास. इन आर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी फर्दर टॉपिक्स. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.